युवाओं से डील करते हुए आप, खासतौर से मैं 2023 के युवाओं की बात करूंगा कि किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, कि आज का युवा किस तरह की अड़चन महसूस करता है, कठिनाई महसूस करता है और उससे निकले कैसे हो? जी, तो सबसे पहले मैं बंसल ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने ये इतना सामाजिक सरोकार से भरपूर और एक बहुत ही यूनिक मंच आपने क्रिएट किया है। देखिए, हम लोग एक्चुअली रैंक होल्डर्स हैं, मेरिट होल्डर्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले जो बच्चे हैं सबको सेलिब्रेट करते हैं। इवन सरकार भी उनके लिए इतने सारी स्कीम्स लेकर आती है, मेरिट होल्डर्स को प्रमोट करती है। बट स्पोर्ट्स स्टार्स जो अपने आप में एक स्टार है और अपने आप में एक विनर है, उनको सेलिब्रेट करने का ये मंच यहाँ पर इस मल्टी स्टेक होल्डर वे में, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और सीएम साहब खुद ही आने वाले हैं और आप लोग हैं, ये एक लगभग पहला ही मंच मुझे देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी है इससे जुड़ के, और इसलिए भी क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स से बेटर इंस्टीट्यूशन कोई भी नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स हमें एक्चुअली क्या सिखाता है कि अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी कभी भी जीरो पे आउट हो सकता है या उसका खराब दिन हो सकता है, पर उसकी चिंता नहीं करनी क्योंकि अगला दिन या अगला गेम फिर से आने वाला है। दूसरा, स्पोर्ट्स से ही हम ये सीखते हैं कि एक अच्छे मेंटर या अच्छे कोच की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर अच्छा कोच नहीं है आपके साथ तो आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी हो, पर आपको वो गुर, वो फन आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरा, जो हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स जो खासकर टीम स्पोर्ट्स हैं, उसके साथ साथ हम अपनी एक टीम के साथ काम करना सीखते हैं। और चौथा, स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि हारना और जीतना जितना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी है कि खेल जो जिंदगी में मिला है उस खेल को खेलते रहें और खेलते रहें। तो मुझे लगता है जो आपने सर सवाल पूछा उसका जवाब अभी आनंद जी ने दिया। आई थिंक ये आज के दौर में अगर बात करें तो आज का मॉडर्न स्ट्रगल क्या है, मॉडर्न स्ट्रगल ये है कि हमारे पास टेम्पटेशंस की कमी नहीं है। हमारे पास इंटरनेट लगभग फ्री है, इंटरनेट पे हर तरीके का कंटेंट हमारे पास फ्री है, हमारे पास गेम्स और अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाने का पूरा पूरा मौका है। तो आज का स्ट्रगल ये है कि इतने सारे टेम्पटेशंस को दूर करते हुए मैं अपने डिसिप्लिन के साथ मेरी जो विधा है, मेरी पढ़ाई है या मेरा संगीत है या मेरा खेल है, मेरी जो भी विधा है उसके साथ मैं लगातार कैसे डिसिप्लिन बना रखूं, तो यही स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल छात्र अपने आप शायद दूर कर पाए, पर जो अच्छा टीचर, अभी आनंद जी ने बताया, आप बाकी लोगों ने भी बताया, जो अच्छा टीचर है, अच्छा मेंटर है, अच्छा कोच है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो ये प्रोत्साहन, ये उत्साह छात्र को दे सकता है कि नहीं, आप सही दिशा पे जा रहे हो और हम आपका जो फन है, आपका जो अचीवमेंट है, उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत सर, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन बात कही। मध्य प्रदेश के एक बड़े नामचीन एक्टर हैं, मुंबई में मेरे मित्र हैं क्योंकि हम साथ पढ़े, तो एक बार उनका अंग्रेजी में हाथ तंग है, जैसा हम मध्य प्रदेश के लोगों का होता है तंग, सबका नहीं। तो महेश भट्ट से जो डायरेक्टर हैं बड़े, उनके साथ वो जब वो काम कर रहे थे, मैंने एक इंटरव्यू भी किया तो इंटरव्यू में उनको छेड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि आपका तो अंग्रेजी में हाथ तंग है, महेश भट्ट तो आपसे अंग्रेजी में बात करते होंगे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बोले शरद भाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मैंने, महेश भट्ट साहब ने जब मुझसे अंग्रेजी में कहा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी भावना को बड़े आत्मीय भाव से ग्रहण कर रहा हूं और मैं जिस तरह से आपको संप्रेषित करूंगा अपनी भावनाएं, कृपया आप उन्हें उसी रूप में ग्रहण करें। तो बोले वो मुग्ध हो गए, कह रहे तुम तो अलग तरह की हिंदी बोल रहे हो। आपका अगर कॉन्फिडेंस होता है, कई बार हम ये अटक जाते हैं, हम फ्लाइट में होते हैं या हम किसी फाइव स्टार में जाते हैं तो हम वहां जो हमें सर्व करने वाले हैं खाना, उनसे हम झिझकते हैं बात करने में। वो जब आके अपनी बड़ी हाई फाई अंग्रेजी में हमसे कहता, मे आई हेल्प यू, सो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो आप झिझकते, नहीं, नो नो ना, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, कहे भैया एक मिनट इधर आइए, वो आमिर खान की कोई फिल्म थी वैसा करने की जरूरत नहीं है, ए एसी का मुंह इधर करने का,
ऐसा मत बोलिए, लेकिन हिंदी अच्छे से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, जो भी मातृभाषा आपकी है। मैं आपकी तरफ आता हूं, ये बताइए मुझे, क्योंकि आप सब अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं, बड़ा काम करते हैं, आप भी जब काम करते हैं सार्वजनिक जीवन में, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होता जी, कैसे आप देखते हैं आत्मविश्वास कितना जरूरी है? आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो ना तो हम हमारे सपने पूरे कर सकेंगे, ना हम हमारी मंजिल को पा सकेंगे, इसलिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और जब हमें आत्मविश्वास होता है, जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है, तो जब लोग बाग बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, और जब हमें आत्मविश्वास होता है कि हम कर सकते हैं, तो हम वो करके दिखा देते हैं। बहुत खूब, आपने बहुत सुंदर बात कही। चौकसे साहब, आप बच्चों को बहुत डील करते हैं, और शरद जी माफ करिएगा, आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी, लेकिन जो खास मेहमान हमारे इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनका सम्मान भी बेहद जरूरी है, जिन्होंने बंसल न्यूज की सराहनीय और अनूठी पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इन चारों मेहमानों का हम सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगी शरद द्विवेदी जी, जो मंच पर इस वक्त मौजूद है, हमारे इन खास मेहमानों का स्वागत करें। तुलसी का पौधा हम इन्हें भेंट करेंगे, जोरदार तालियां हो जाए। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी मेहमानों का जो इस वक्त मंच पर मौजूद है। आनंद चौकसे जी डायरेक्टर हैं मैक्रोविजन एकेडमी, शिव प्रताप सिंह जी राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हमारे बीच हैं, इसके अलावा लोकेंद्र सिंह राजपूत जी जो वरदान बायोटेक के ओनर हैं, और हमारे बीच मौजूद हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी जो कि डायरेक्टर है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। तो मैं चाहूंगी कि मंच पर आनंद चौकसे जी, शिव प्रताप जी और लोकेंद्र जी, आपका तीनों का धन्यवाद देना चाहूंगी, और आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी आप जरूर अभी मंच पर रुकिए, मैं चाहूंगी कि शरद जी आपसे कुछ और बातचीत करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। जी शरद जी। सिद्धार्थ जी, जैसा हमने आनंद जी को सुना, लोकेंद्र जी को सुना, और करणी सेना से जुड़े हुए हमारे शिव प्रताप जी को सुना, जीवन में आगे बढ़ना हम सब चाहते हैं। मैं भी जब युवाओं के साथ इंटरैक्ट करता हूं, तो एक बहुत उनकी आंखों में जो सवाल मैं देखता हूं, तो वो सवाल यही होता है कि सफलता का कोई इक्वेशन क्या है, कैसे हम सफल हो सकते हैं इसमें। अब ये कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं है कि आपने एक गिलास पानी से किसी बढ़िया डिपार्टमेंटल स्टोर में गए या किसी बड़े स्टोर से गए और खरीद के ले आए और उसको खा के आपने सफलता का मंत्र समझ लिया। सफलता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, यहां बहुत सारे युवा हैं ऊपर और नीचे, और खासतौर से खिलाड़ी हार और जीत के बीच खड़ा होता। कभी विराट कोहली 3 साल तरस रहे हैं सेंचुरी बनाने के लिए, कभी महाकाल जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं लोग कि नीम करोरी बाबा के पास भी गए, उज्जैन भी गए पत्नी के साथ पूजा की, कि एक सेंचुरी का सवाल है, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं, इतना बड़ा प्लेयर है वो। सफलता का रास्ता किन किन चीजों से होकर गुजरता जी? ये तो लगभग कई हजारों वर्षों से इस सवाल पे हम सभी चिंतन भी कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर हर जिले से वो व्यक्ति जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आया है, और साथ ही साथ इक्वली उनके साथ जो पंख जिनकी जिसकी आपने एक सिमिली दी है, तो वो सभी व्यक्ति मेरी नज़र में, अगर मैं आज की बात करूं, तो सबसे सफल व्यक्ति वो हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और जो मंच पे सीएम साहब से अपना रिकग्निशन लेंगे। अगर और इसमें दूसरी चीज़ मैं आपसे और बाकी लोगों से भी ये कहूँगा कि सफलता हर समय रिलेटिव होती है। जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में यहाँ बैठे हुए मुझे सबसे सफल जो है वो यहाँ जो पंक्ति में बैठे थे वो लोग नहीं, पर बल्कि जो आए हैं जिलों से वो मुझे सबसे सफल लगते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, पर मुझे कभी भी अपने जिले में इस तरीके का सबसे सर्वप्रथम या एक कोई रिकग्निशन लेने का मौका नहीं मिला, तो वो आज की तारीख में सफलता इसे कहेंगे। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हम सोसाइटी ने जो हमें कुछ
चीजें पढ़ाई हैं सब कॉन्शियसली और कॉन्शियसली उन्हीं को हम सफलता मानकर अपने साथ चलते हैं। हमें लगता है सफलता मतलब खुशी, खुशी मतलब हमारे जो फिजिकल या भौतिक जो सुख हैं, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारे जो रहने सहने का जो एक लाइफस्टाइल है वही हमें खुशी देगा और जब खुशी मिलेगी तभी हम सफल होंगे। पर अगर थोड़ा सा अंदर जाके देखें और हमारे शास्त्रों में या वेदों में जो लिखा है उसमें सफलता बहुत ही छोटी और बहुत मोमेंट्री चीज़ है कि आज मेरे पास जो काम करने का मुझे एक मौका मिला मेरे जीवन में उस काम को मैंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ किया या नहीं किया वही सफलता है या वही असफलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब इस पूरे मोमेंट को, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उसके पास ये मौका और उसके पास ये बार बार आता है, हर बार जब वो अपने फील्ड पे उतरता है तो उसके पास वो मोमेंट होता है कि वो अपना 100% दे और वो सफल या असफल की कैटेगरी में हो। पर स्पोर्ट्स ही वो एक अनूठी विधा है जहां पे अगर आप आज असफल होते हैं, जैसे आपने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया जी। तो विराट कोहली अगर आज असफल है तो वो उस लेवल पे है जहां पे वो हर असफलता से सीख रहा होता है और उसकी हर नेक्स्ट जो सेंचुरी होती है वो पिछली सेंचुरी से और भी लाजवाब होती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं बशर्ते कि हर बार जब वो मैदान में उतरें तो वो अपना 100% कमिटमेंट दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको कैसे लेते हैं। मैं चौकसे साहब को देखता हूं, लोकेंद्र जी को देखता हूं, हमारे करणी सेना के युवा साथी को देखता हूं, आप लोगों की विनम्रता मुझे बहुत एडमायर करती है। चौकसे साहब, मैं जब आपसे मिला और जब मैंने आपका एम्पायर देखा, मैं एम्पायर शब्द बोलूंगा, मतलब मैं मुग्ध था। आप मुझे घुमा रहे थे उस ह्यूज कैंपस में और मैं मुग्ध भाव से ये देखे जा रहा था कि यहां पर एप्पल के, उस समय शायद एप्पल के सिस्टम, आज 2017 में शायद भारत में आप चुनिंदा थे या आप ही के पास थे या कहीं और नहीं थे, और जिन बच्चों को मैं देख रहा था, और उसी के साथ आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और जो आपका विजन था कि यहां से हाथ रखा और ब्लड प्रेशर सहित तमाम जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं सब डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, वहां ऊपर आपको कोई पर्चा ले जाने की जरूरत नहीं होगी। कमाल है सर, एक बार ताली होनी चाहिए इनके लिए, जबरदस्त काम है, जबरदस्त। जावेद अख्तर एक बार कहने लगे, देखिए आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका चलने का अंदाज बदल जाता है, उसको लगता है कि हर आदमी शरद द्विवेदी को पहचान रहा है। बंसल न्यूज में आते हैं 8 बजे, अब किसी ने वो, सर मैंने आपको देखा है, अच्छा जी आपने देखा होगा, मैं 8 बजे का शो करता हूं, जी जी आपको बड़ा अच्छा भी लगता है। जावेद अख्तर एक बार एयरपोर्ट पे थे, अब कई बार अजीब से फैन भी मिल जाते हैं, प्रशंसक, एक आदमी आया उनके पास हाथ वाथ मिलाया, बोला गुलजार साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अब आप सोचिए कि शरद द्विवेदी को कहे सुनील जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपको फला चैनल पे देखता हूं, अब वो चैनल भी मैं नहीं जानता, नाम भी मेरा आप नहीं बोल रहे, अब वो उनको एक क्षण के लिए तो झटका लगा, फिर वो बड़े विनोदी व्यक्ति हैं तो उनसे फिर उसने कहा आप यहां कैसे, किसका इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं जावेद अख्तर को लेने आया हूं। तो वो थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन तो उसको भी था कि जावेद अख्तर है कि गुलजार है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुलजार साहब, उन्होंने बिल्कुल खंडन नहीं किया कि मैं गुलजार नहीं हूं। आप जिंदगी को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं? बशीर बद्र कहते हैं शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये छोटी सी बात हमें समझ में बहुत कम आती है, लेकिन विनम्रता, जब रतन टाटा को मैं देखता हूं कि उन्होंने जिंदगी को कहां सिमट के किधर ले गए हैं वो, तो समझ में आता है कि शुरुआत के साथ एक समय तो आता ही है जब आपको अपना बैट टांगना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। सिद्धार्थ जी ये भी मुझे समझाइए कि फेलियर्स का सामना करने के लिए हम सब ने अपने अपने मैकेनिज्म तैयार कर रखे हैं, कोई अध्यात्म की तरफ चला जाता है, कोई कहता है मैंने अब कुछ और तरफ मन लगाना शुरू कर दिया है, कोई माफ कीजिएगा नशे की तरफ भी चला जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी चला जाता है। बहुत सारे युवा बैठे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि जब दिल टूटता है तो दिल टूटने के बाद कोई उसका एडहेसिव तो है नहीं कि आपने बाजार से लिया और दिल को जोड़ लिया,
क्या करना चाहिए जब दिल टूटे तो? नहीं, ये कहना बहुत गलत होगा अगर मैं सिर्फ कहूं कि नहीं, अपने हर फेलियर को बस भुला के आगे बढ़ते रहिए, वो बुरा लगता है। आप किसी भी चीज में फेल हो, आपको बुरा लगता है, और उस स्वाभाविकता को पहले एक्सेप्टेंस में लाना चाहिए। आई थिंक हाफ दी प्रॉब्लम गोज, अगर आप बस ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ इस बार मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया या ये फेलियर है, अगर उस एक्सेप्टेंस को फाइट करेंगे, नहीं यार ये कैसे हुआ, ये मैं तो आई, और दूसरी चीज ये आई डू नॉट डिजर्व दिस, या ये मेरे साथ कैसे हो सकता है वाली जो एक फीलिंग है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बल्कि सबके साथ चलती है कि यार जो भी हो, किसी के साथ भी हो, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, आई डिड नॉट डिजर्व दिस। तो ये आई डिड नॉट डिजर्व दिस या मेरे साथ कैसे हो सकता है वाली फीलिंग को अगर आप टैकल कर लें अपने माइंड में, तो कोई भी फेलियर आपको उतना नहीं सताएगा जितना आज आपको शायद सताता होगा। हाँ, आपको बुरा लगेगा कुछ घंटों, कुछ दिन, शायद कुछ हफ्ते, पर उसकी सीमा वहीं तक होनी चाहिए। और जैसा आपने पूछा, मुझे लगता है मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव से ही बात कर सकता हूँ यहाँ पे, तो फेलियर्स के समय सबसे जो कारगर लोग सिद्ध हुए वो दोस्त सिद्ध हुए। तो किसी भी फेलियर के समय अगर दोस्तों का एक दो भी अच्छे क्लोज आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको आपके फेलियर से निकालने में ज़रूर मदद करेंगे अगर वो आपके सच्चे दोस्त हैं। और दूसरे आपके पेरेंट्स, अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आपके पेरेंट्स हैं आपके आसपास, तो वो बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके लिए। दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, और साथ ही साथ फिर आपका जो मेंटल टफनेस है वो देखिए थोड़ा एज के साथ ही आगे बढ़ता है। बट ये तीन चीजों से आई एम श्योर किसी भी फेलियर से आप बाहर निकल सकते हैं। आप में से सारे लोग सहमत होंगे, दोस्त बहुत जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। लेकिन वो थ्री इडियट वाला दोस्त नहीं कि फेल हो जाए तो दुख होता है, मेरिट में आ जाए तो और दुख होता है, वो वाला दोस्त नहीं। दोस्त चाहिए जो दिल के करीब हो, जिसके सामने आप खुलकर अपनी बात कह सकें, अपनी तकलीफों को शेयर कर सकें। अमिताभ बच्चन के पास 5 साल काम नहीं था, उनके घर पर कुर्की के नोटिस लगने लगे थे। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि मैंने जया को नहीं बताया, मैंने अभिषेक को नहीं बताया, और मैंने अपनी बेटी श्वेता को नहीं बताया। फिर 5 साल के बाद मैं यश चोपड़ा जी के पास काम मांगने गया। कभी आपको झेपना भी नहीं चाहिए जिंदगी में। हम में से कई लोग ये मानते हैं मैं बहुत बड़ा हूं, अब मैं काम मांगने कैसे जाऊं, सामने वाला मना ही करेगा। अमिताभ बच्चन गए, यश चोपड़ा ने कहा कि जब अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा कि मुझे काम चाहिए यश जी, मेरे पास 5 साल से कोई फिल्म नहीं है, तो यश चोपड़ा ने कहा सर हम तो ये सोच रहे थे आप काम ही नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं काम नहीं है आपके पास। उन्होंने कहा साहब मेरे पास काम नहीं है, मेरी हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बेटा बना रहा है मोहब्बतें। मोहब्बतें से अमिताभ जी ने शुरुआत की, झंडू बाम का विज्ञापन किया, केबीसी में आए। उन्होंने वो हर काम किया जो काम जिसको छोटा मानते थे कि अरे झंडू बाम का विज्ञापन करेंगे, ये सर पे तेल डालकर ठंडा सर करने वाले तेल का विज्ञापन अमिताभ बच्चन करेंगे, छोटे पर्दे पे अमिताभ बच्चन आएंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो सब कुछ किया। मेरे कुछ मित्र जो बॉम्बे में हैं वो बताते हैं कि अगर 5 बजे सुबह शूटिंग का टाइम है तो बच्चन साहब की गाड़ी 4 बजे पहुंच जाती है। कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, चाय भी अपनी लाते हैं, ब्रेकफास्ट भी अपना लाते हैं, लंच और डिनर भी अपना लाते हैं। आगे बढ़ने का एक बड़ा सूत्र अमिताभ बच्चन है। उन्होंने अपना ब्लॉग भी डेवलप किया है, कोई सूचना भी देनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अपने ब्लॉग से ही सूचना देते हैं वो। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सर कंक्लूड करूंगा इस सत्र को इस प्रश्न के साथ आपसे, फिर मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो आइकॉनिक फिगर्स हैं अगर आप भोपाल रुकेंगे तो मैं आप सबके साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी बंसल न्यूज के लिए जरूर करना चाहूंगा, और उसके लिए मैं आप सबको स्टूडियो आमंत्रित करूंगा। वो हम आपसे बात करके आपकी सुविधा के अनुसार तय कर लेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि आप लोग बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और कुछ लोग तो खुद ही इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अपनी मेहनत से, जैसा चौकसे साहब ने उस समय भी मुझे कहा था कि हम तो बहुत छोटे परिवार से हैं शरद जी, हम लोग दूध की बिक्री से जुड़े थे, गाय की सेवा से जुड़े थे, और वहां से हमने इतना बड़ा एम्पायर अगर खड़ा किया है तो उसके पीछे क्या मंत्र है वो जरूर मैं समझना चाहूंगा। लोकेंद्र जी एक बहुत छोटे परिवार से आते हैं,
आखिरी सवाल जो मैं कर रहा हूं सर, ये सवाल ये है कि स्पोर्ट्समैन स्प्रिट, ये शब्द हम खूब सुनते हैं, खेल भावना, लेकिन जिंदगी में मैंने खेल भावना बहुत कम देखी। आदमी दूसरे व्यक्ति को टांग मार के गिराना चाहता है, किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक कॉन्स्पिरेसी करता है, उसको नीचे दबाना चाहता है, वहां कहीं स्पोर्ट्समैन स्प्रिट नहीं है। खेल में भी है, कई बार खेल में भी कम नजर आती है, इससे ओवरकम कैसे करें? जी वो इसीलिए भी है कि मैं आपके पिछले जो है दो सवालों को भी इससे एक मिनट से शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर विधायक, एक अलग ही अंदाज के। जी तो जोदा तालियां हो जाए। हमारे बीच शैलेंद्र जैन जी हैं, सागर से विधायक हैं, जोदा तालियां हमारे इन जनप्रतिनिधि के लिए। और मैं चाहूंगी कि शरद जी, एक मैसेज है सिद्धार्थ जी के पास जी। वो मैसेज जरूर वो सभी बच्चों को सुनाएं। और मैं आग्रह करूंगा कि शैलेंद्र जी सहित और कोई माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हो, मैं टीम से आग्रह करूंगा तो उनको हम सादर मंच पर लाएं। बिल्कुल, हमारे साथ दिलीप मकवाना जी हैं, रतलाम विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन जन प्रतिनिधियों के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी सी कम है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे जन प्रतिनिधियों का। मकवाना साहब से भी मेरा आग्रह है कि अगर वो हॉल में उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति हम सबका। बिल्कुल, और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि हमारे जन प्रतिनिधियों का, हमारे खास मेहमानों का हम सम्मान भी करेंगे। नमस्कार। बस सर, आपका स्नेह, आप आगे। मकवाना साहब जिंदाबाद, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, नमस्कार। भिंड से हैं मैम, प्लीज। तो मैं शरद जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे दोनों ही विधायकों का स्वागत करें और जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच दिलीप मकवाना जी, शैलेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। सर को भी दे दी। सिद्धार्थ जी, मैं चाहूंगी कि आप जरूर वो अनाउंसमेंट करें और उसके बाद फिर शरद जी इस बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी तो मैं बस ये जी तो बस ये बोल के फिर सर आपको आप गेस्ट्स के साथ छोड़ता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जो कि खुद भी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, और हम भी बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को एक सही मंच और सही प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारे छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मेडल विनर्स हमारे यूनिवर्सिटी से निकले, और अभी महिला दिवस पे जो हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की महिला हॉकी टीम उसमें विनर भी रही थी। तो मैं इस मंच से सिर्फ यही अनाउंस करना चाहता हूं कि जितने भी छात्र यहां पर आए हैं, आप में से जो भी अपनी शिक्षा को अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हर वो स्कॉलरशिप और यथासंभव मदद रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। आप जरूर विश्वविद्यालय में आइए और हम आपकी जो आपके जो सपना है, आपको जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको जो एजुकेशन से जुड़ के अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसमें वो सारी मदद और सारा सपोर्ट विश्वविद्यालय करेगा। स्पोर्ट्स के लिए हम लोग एक अलग वर्टिकल भी खड़ा कर रहे हैं और हमारा जो स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित करता है कि आप विश्वविद्यालय आएं और हम आपकी हर संभव मदद तो मुझे लगता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इस इनिशिएटिव के लिए जोदा तालियां हो जाएं। और सिद्धार्थ जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू इस बातचीत के लिए। इन्होंने काफी नाम मध्य प्रदेश का, देश का रोशन किया है और इनके पंखे।
रेसलिंग में अपना दमखम दिखाने वाले साई श्रीवास्तव आगरमालवा से ये आए हैं और इनके पंख हैं सुधीर गोयल जी। जोरदार तालियां हो जाए सुधीर गोयल जी और हमारे खिलाड़ी साई श्रीवास्तव जी। अनुज शर्मा है हमारे बीच, सॉफ्ट टेनिस में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। और मयंक भदौरिया जी अमलदासपुर से देवास से ये है, ये इनके पंख बने हैं जिन्होंने हौसले की उड़ान इन्हें भरने का मौका दिया, इन पर भरोसा जताया। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे इन खिलाड़ियों के लिए। देखिए मालवा की बात हो रही है, मैं चाहूंगी शिव प्रताप सिंह चौहान जी भी जो अध्यक्ष है कटनी सेना के, वे मंच पर आए इन सभी खिलाड़ियों के साथ। और अब आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच है सुमित केवट हरदा से, हैंडबॉल में ये अपना दमखम दिखाते हैं। पाक इंफ्रा की ओर से इन्हें पंख मिले हैं, जोरदार तालियां हो जाए सुमित केवट के लिए। सुमित केवट हमारे बीच है। इसके अलावा हमारे बीच है स्विमिंग में स्तुति अग्रवाल, नीमच से तालुकात रखती है, इनके पंख बने हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, जोरदार तालियां हो जाए। अब बुलाना चाहेंगे प्रणब कोरी जी को, मलखम में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और इनके जो पंख हैं, सरुजा मैडम है, डॉक्टर है उज्जैन से, आप ही मैम मंच पर आइए। लखन माली रेसलिंग में इन्होंने कमाल किया है, गुना से ये है सुनीता प्रदीप नातानी, इनके पंख हैं। तो प्रणव कोरी भी हमारे बीच है उज्जैन से। लखन माली के बाद मैं बुलाना चाहूंगी सोनिया कुमरे रायसेन से हमारे बीच, यदुवीर सिंह पटेल, उनके पंख बने हैं। वहीं आपको बता दें प्रणव कोरी के पंख सलूजा मैडम है जो कि डॉक्टर है। हमारे अगले खिलाड़ी हैं सक्षम चौधरी जबलपुर से, जो पावर लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, इनके पंख बने हैं। और आनंद प्रताप चौकसी जी कृपया मंच पर आइए। तो देखिए हरिओम सेन हमारे बीच मौजूद है विदिशा से, शुभम किरार जी, इनके पंख बने हैं, जोरदार तालियां हो जाए हरिओम के लिए। इसके बाद हमारी अगली खिलाड़ी है अनन्या स्वामी, नर्मदापुरम से है ये, जिनके पंख बने हैं विनय असाटी जी, जोरदार तालियां हो जाए। और अगली खिलाड़ी है नैन्सी अहिरवार जी। आप सब लोग जल्दी आ जाएं, सीएम साहब को जल्दी जाना है, जल्दी आओ सब लोग। नैन्सी अहिरवार बेसबॉल में है, पंकज अहिरवार, इनके पंख बने हैं। अगली खिलाड़ी हमारे साथ पुष्पराज ओहरिया जी, कराते में इन्होंने प्रदर्शन किया, अलीराजपुर से ये है, हीरा लाल पाटीदार जी, जो की इनके पंख बने हैं। वही अगली खिलाड़ी हमारी कृतिका मंडलोई, जो की खरगोन से है और इनके पंख बने हैं, इंजीनियर नितिन मालवीय जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारी खिलाड़ी और उनके पंख की। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ उनके पंख भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनके इस सफर में।
हमारे बीच लक्ष्मी राठौर भी मौजूद है, शिवपुरी से ये हैं। इनके पंख बने हैं रविंद्र शिवहरे जी। रविंद्र शिवहरे जी शिवपुरी से हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे नगर परिषद के, वो इनके पंख हैं। वहीं आपको बताते हैं हमारे बीच आशीष गुर्जर है, रेसलिंग में अपना दमखम दिखा चुके हैं, सिवनी से हैं। जिनके पंख हैं फतेह सिंह सनोदिया, प्रीतम चंद्रवंशी, संतोष नानू पंजवानी जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले इन सभी साथियों के। अमित विश्वकर्मा हमारे अगले खिलाड़ी हैं, कनोई में इन्होंने प्रदर्शन किया, शशिकांत अग्निहोत्री इनके पंख बने हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। जिन्होंने हमारी अगली खिलाड़ी है उमा उइके, गौरव सिंह परिधि ने इन्हें पंख दिए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक पटेरिया जी हमारे साथ हैं, टेबल टेनिस में इन्होंने प्रदर्शन किया। और नौगांव से ये आते हैं हरगोविंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंख दिए हैं हमारे खिलाड़ी को। अंजू हल्लवी हमारे बीच में है और उनके जो पंख बने हैं डॉक्टर गुफरान दानिश खान जी। तालियां बजती रहे तमाम हमारे इन खिलाड़ियों के लिए और उन्हें हौसलों की उड़ान देने वाले इन तमाम सहयोगियों के लिए। देखिए हमारी अगली खिलाड़ी है पूर्णिमा सिंह, जो कि डिंडोरी से है। इनके पंख बने हैं संजय बाफना जी, शैलेंद्र कलवादिया जी। वहीं हमारे बीच है विशाखा लिखतियार। पूर्णिमा सिंह के बाद मैं बुलाना चाहूंगी विशाखा, जिनके पंख बने हैं मदन तिवारी जी। जोरदार तालियां हो जाए। नरसिंहपुर से हैं मदन तिवारी जी। विशाखा लिखतियार के पंख में बने हैं जो हॉकी खेलती हैं। इसके बाद हमारी अगली खिलाड़ी है संजना केवट। संजना केवट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ततिया से ये हैं, इनके पंख बने हैं आशीष कनकरिया जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये भोपाल से। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले सभी सपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने इन्हें सपने की इनके सपनों को पूरा करने के लिए, इनके हौसलों की उड़ान को मजबूत करने के लिए पंख दिए हैं। जोरदार तालियां हमारे सभी खिलाड़ी और उनके पंख यानी उनके सपोर्टर्स के लिए। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इन्होंने जो काम किया है प्रदेश में, आप देखिए एक समय था जब मध्य प्रदेश में खेल जो है ओझल सा हो गया था, लेकिन तो लगातार प्रदर्शन शानदारी खिलाड़ी करते रहे हैं और देखिए आज उड़ान भर रहे हैं हौसलों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने हमारे खिलाड़ियों को और उनके पंखों को सम्मानित किया है, अब हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। हमारे सपोर्टर्स, हमारे स्पॉन्सर्स को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। भारत माता की और खिलाड़ी बेटा बेटियों की और उनके पंखों की। आज हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश की खेल और युवक कल्याण मंत्री और वास्तव में सभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बेटे बेटियों की पंख हैं, जो आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, जरा एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मेरे विधायक साथीगण भाई सैलन जी, दिलीप जी, सुधीर जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों के जो सहारा बने हैं, ऐसे मेरे सारे साथी और खिलाड़ी भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जिंदगी ही एक खेल है वास्तव में, और हम सब खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी हूं, अलग अलग फील्ड में हम सब खेल रहे हैं, और जिंदगी को खेलों की तरह ही जीना चाहिए। लेकिन आज मैं अपने सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों को, जिनके सामने अभी सारा संसार पड़ा है जीतने के लिए, यशोधरा जी यहां बैठी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी,
तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने चमत्कार किया, 39-39 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हमने जीते। ओवरऑल 96 पदक हमारे कब्जे में आए और हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद। लेकिन मुझे तीसरा स्थान अच्छा नहीं लगता, पहले पर रहना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खिलाड़ियों से पूछ रहा हूं, पहले नंबर पर रहना चाहिए कि नहीं? और पहले नंबर पे लाएंगे तो कौन लाएंगे? अरे यार जोर से बोलो, कौन लाएंगे? खिलाड़ी, हम लाएंगे। और खिलाड़ियों को चाहिए सहयोग, तो बंसल न्यूज को धन्यवाद, आपने एक एक सहयोगी भी सबको दे दिया। देखिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे भी कोचिंग में, ट्रेनिंग में, सीखने में, बाकी चीजों में किसी ना किसी का साथ लगता, सहयोग लगता है। तो खेल विभाग तो मध्य प्रदेश का आपके साथ है ही, और यशोधरा जी के नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले कभी खेल विभाग का बजट 5 करोड़ रुपया हुआ करता था, इस साल बढ़ा के हम रखा है 738 करोड़। ये इसलिए कि आपको खेलने में कोई सुविधाओं का अभाव ना रहे, हमारे बच्चों को अच्छे इक्विपमेंट्स मिले, अच्छे मैदान मिले, अच्छे इंडोर स्टेडियम मिले, अच्छे कोच मिले। और इसलिए इस बजट को बढ़ाया है। अभी नाथू बरखेड़ा में हम जो, अब यशोधरा जी उसके पीछे लगी है क्योंकि सुनील जी ने कहा होगा कि बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनका भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो जल्दी बनाना है हमें। तो हम खेलों का एक संसार बना रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों को कोई कमी ना रहे, कोई असुविधा ना हो। खेल जहां एक ओर विजय के भाव को पैदा करते हैं, अपने अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम करें इसके लिए प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेलों से हमको बेहतर स्वास्थ्य भी मिलता है। हम खेले ही ना, खेल के मैदान की तरफ देखे ही ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और कहा गया शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, शरीर सब धर्मों को पालने का साधन, इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। उसलिए स्वस्थ शरीर के लिए खेल भी चाहिए, योग भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, और खेल आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हम, तो इसी में तो आनंद, रोते गाते झीकते काहे को जिंदगी जिए यार, जिए तो कुछ करने के लिए जिए। और करने के जो कई फील्ड है उनमें से एक खेल भी है, इसलिए खेलिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर बंसल न्यूज को, सुनील जी आपको और आपकी टीम को, ये इनोवेटिव काम जो करते रहते हैं आप, आप बाकी व्यवसाय से धन अर्जित करें और समाज सेवा पे खर्चा करते रहें जी, उसमें क्या दिक्कत है? आप सब खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो विशेषकर उनके सहयोगी हैं पंख, उनको भी, बंसल न्यूज को भी। आने वाले समय में हमारे यहां वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड कप शूटिंग का वर्ल्ड कप, और हमारी शूटिंग अकादमी देखना आप, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, अकादमी में से एक हमारी है जो भोपाल में हमने बनाई है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।